बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। जैसा कि इसमें मानव का कंकाल तंत्र चल रहा है, और चाहे जो भी पेपर हो बच्चों, चाहे नीट का हो, चाहे डिफरेंट प्रकार के जितने बोर्ड होते हैं, जैसे CBSE, ICSE और UP बोर्ड, महाराष्ट्र, माने विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड होते हैं और जो नीट का पेपर होता है, उसमें भी बच्चों मानव कंकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो। और इसलिए जो होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो, और इसको देखना ना भूलिएगा। लेकिन वीडियो को आज का स्टार्ट करने के पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको अपने जो मित्र यार हैं उनके पास तक शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, जैसा कि इस समय आर्थ्रोलॉजी, इस समय जो होता है आर्थ्रोलॉजी, और आर्थ्रोलॉजी में हम जो हमारे अस्थियों के बीच में जॉइंट्स होते हैं, वो जो हमारे अस्थियों के बीच में जॉइंट्स या जोड़ होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों, जॉइंट्स होता है, जैसा कि हमने बताया था कि तीन प्रकार के होते हैं वो, माने कि चल संधि, अचल संधि और पार्सली मेबोहोल। अब आती है कि जिस समय हम जॉइंट्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट होता है बाल, फर्स्ट है बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और इसको हम कहते हैं इनर थ्रोसिस कहते जो है। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर ये कहलाता है, इनर थ्रोसिस कहते हैं वो। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक अस्थि जो होती है उसका बाल, एक अस्थि का बाल होता है, माने उभार होता है, और जो दूसरी अस्थि होती है उसमें क्या होता है, कैविटी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक अस्थि से तो इसका ये बाल पोर्शन माने उभार होता है वो, और जो दूसरी अस्थि होती है उसी में उसपे कैविटी माने गुहा पाई जाती है, और यह हड्डी जो है इस बोन के बीच में जो जॉइंट्स बनता है, इसको हम बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं, और यह हड्डी जो होती है एक दूसरे पर पूरा फिसलती है, माने घूमती है वो। अब आती है कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हमारे शरीर में जो गर्डिल होते हैं वो, गर्डिल्स एंड जो उपांग होते हैं, उपांग माने अपेंडेजेस होता है वो, अपेंडेजेस। तो गर्डिल तथा अपेंडेजेस जो होता है, इनके मध्य जो संध होती है, इसको हम बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स बच्चों कहते हैं। तो अब आती है कि माने कि इसमें क्या होता है, एक अस्थि जो होती है जो इसका उभार पोर्शन होता है, वह दूसरे के मेखला से वो क्या होती है, उस पर पूरा मूवमेंट करती है वो। तो अब आती है कि इस अस्थि और इस अस्थि के जो देखेंगे, यहाँ पर जो होता है लिगामेंट्स होते हैं, माने यहाँ देखेंगे एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने के लिए बच्चों यहाँ लिगामेंट्स पाई जाती है वो, और ये लिगामेंट्स क्या काम करती है, हड्डी को माने डिसलोकेट होने से बचाती है वो। और हमने इसको बताया भी था कि अगर ये लिगामेंट्स हट जाते हैं या टूट जाते हैं तो स्प्रेन हो जाता है, माने मोच हो जाता है वो। एक खास खूबी किसकी होती है, नंबर हेडिंग होता है बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नेक्स्ट आता बच्चों जॉइंट्स में, नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो अगला आता है हिंज ज्वाइंट और जिंजिलाइन। हिंज ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट्स नंबर सेकंड होता है वो, और इसको जिंजिलाई माई कहते हैं वो, और जिंजिल माई। तो हिंज ज्वाइंट, इसको कब्जेदार संधि कहते हैं वो। बच्चों, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है कब्जेदार संधि। जिस प्रकार से गेट में कब्जा होता है वो, जिस प्रकार से गेट में कब्जा होता है, और क्या काम करता है, सिर्फ गेट को एक ही ओर जो होता है, एक ही ओर मुड़ने में सहायक होता है वो,
मीन्स जो गेट में कब्जा होता है वह एक ही ओर मोड़ने में जो है गेट को सहायक होता है वो। उसी प्रकार से जो हमारे हिंज ज्वाइंट्स या जिंजिराई माई होते हैं इसको हम कब्जेदार संधि कहते हैं वो। अच्छा, इस संधि में क्या होता है, इस संधि में एक हड्डी का जो सिरा होता है, इस मान लीजिए एक हड्डी का सिरा होता है वो, तो दूसरे हड्डी के कैविटी में, माने दूसरे हड्डी के कैविटी में जो होता है फिट होता है जो है वो, और एक कब्जे के समान जो होता है वह एक ही ओर मोड़ने में सहायक होता है वो। जैसे कि हमारा जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस मीन्स ए बोन होती है जो है वो, ह्यूमरस बोन और रेडियो अल्ना, तो ह्यूमरस जिसे ए बोन ह्यूमरस हो गया, और ए बोन जो होता है रेडियस, माने यहाँ पर दो बोन है वो, माने ह्यूमरस ये वाला हो गया, ए रेडियो अल्ना हो गया जो है वो। तो अब आती है ह्यूमरस और रेडियो अल्ना के बीच में जो संधि होती है वह कब्जेदार संधि या हिंज ज्वाइंट्स और जिंजिलमाई होते हैं वो, और एक गेट के कब्जे के समान एक वर्क करती हैं, माने हम अपने हाथ को एक ही ओर क्या करते हैं मूव कर सकते हैं जो है वो, माने अगर एक पोर्शन चाहे तो पीछे को नहीं घूम सकता है वो। इसी प्रकार से हमारा जो फीमर होता है वो, हमारा जो फीमर होता है ये सबसे लंबी बोन होती है वो, फीमर एंड टीबियो फिबुला के बीच में जो संधि होती है वह कब्जेदार संधि या हिंज ज्वाइंट्स और जिंजिलमाई होते हैं वो। देखा होगा कि आप जो होता है पैर को, माने कि फीमर और टीबियो फिबुला को सिर्फ एक ही साइड मोड़ सकते हैं जो है वो, माने एक उल्टा नहीं मोड़ सकता है वो। इससे क्या फायदा होता है, इससे हमको चलन में क्या होती है बच्चों, ये सहायक होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हिंज ज्वाइंट्स और जिंजिलमाई कहाँ मिलते हैं, ये ह्यूमरस और रेडियो अल्ना के मध्य में, तथा फीमर और टीबियो फिबुला और हमारी जो उंगलियां, माने कि जो फैलेंजेज होती हैं, यहाँ पर देखिए ये भी एक और मोड़ रहे जो है वो, माने उल्टा नहीं मुड़ पाती हैं। देखिए जो हड्डियाँ होती हैं फैलेंजेज की, उसमें भी इसी प्रकार का क्या होता है बच्चों, ज्वाइंट्स होता है जो है वो। इसे क्या कहते हैं, इसे हम जो होता है हिंज ज्वाइंट्स, या इसे बच्चों क्या कहते हैं, कब्जेदार संधि कहते हैं वो। नेक्स्ट होता है पाइवोटल ज्वाइंट और रोटेटेरिया। नेक्स्ट हेडिंग पाइवोटल ज्वाइंट नंबर थर्ड, पाइवोटल ज्वाइंट्स या इसकी हिंदी होती है, धुराग्र, या इसे कहते हैं रोटेटोरिया और रोटेटोरिया, ये कहलाता है रोटेटोरिया कहलाता है। तो जिस समय हम तो रोटेटोरिया, इसको पाइवेटल ज्वाइंट्स या बच्चों रोटेटेरिया कहते हैं जो है वो। तो जिस समय हम इसकी बात करते हैं पाइवेटल ज्वाइंट्स और रोटेटेरिया की, तो बच्चों क्या होता है कि जो हमारी खोपड़ी वाली हड्डी होती है वो, जो हमारी खोपड़ी वाली हड्डी होती है, और जो माने कि जो प्रथम, माने कि जो वर्टीब्रल कॉलम होता है उसकी जो प्रथम हड्डी होती जो है वो, तो इसी में क्या होता है एक खूंटे नुमा उभार, माने कि एक खूंटे नुमा उभार होता है जिससे, जिस पर कि हमारी खोपड़ी टिकी होती है वो। तो माने ओडेंटोइड जो प्रोसेस होता है उसी पर हमारी खोपड़ी क्या होती, टिकी होती है वो। इससे क्या फायदा होता है कि खोपड़ी को, माने कि गर्दन को हम क्या काम करते हैं, तो खोपड़ी को जो गर्दन के प्रथम बोन पर स्थित होती है ओडेंटोइड प्रोसेस पर, उससे क्या होता है फ्रीली मूवेबल, माने क्या मतलब कि ये चारों ओर जो होता है ये घूम सकती है, और इसको हम पाइवेटल ज्वाइंट्स या इसको हम रोटेटोरिया कहते हैं वो। ये कहलाता है रोटेटोरिया कहलाता जो है वो। तो या इसकी हिंदी होती है धुराग संधि होता है वो।
बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पाइवेटल ज्वाइंट सेरोटोटेरिया कहाँ पाया जाता है, वो तो खोपड़ी हो गई और प्रथम जो कशेरुका होता है उसके ओडेंटॉइड प्रोसेस के मध्य जो होता है, इस प्रकार की बच्चों ज्वाइंट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट ज्वाइंट्स, और नेक्स्ट ज्वाइंट होता है उसको हम सैडल ज्वाइंट्स कहते हैं, सैडल ज्वाइंट्स कहा जाता है। तो जो सैडल ज्वाइंट्स होता है माने कि जो हमारा अंगूठा होता है, वो अंगूठा माने क्या मतलब कि इसमें यह इसमें जो होता है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स ये भी होता है वो, लेकिन एक बच्चों क्या होता है कम विकसित होता है जो है वो। और इस प्रकार की जो हड्डी होती है अंगूठे की मेटाकार्पल्स और कार्पल्स, अंगूठे की मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में जो होता है इसी प्रकार की संधि बच्चों पाई जाती हैं जो है वो। और इसी कारण जो होता है अंगूठा जो होता है अन्य उंगलियों की अपेक्षा जो होता है इसको हम अधिक इधर उधर घुमा सकते हैं वो, क्योंकि अंगूठे में जो होता है माने अंगूठे के हड्डी में जो होता है उसमें सैडल ज्वाइंट्स बच्चों जो है ये पाया जाता है। अगला होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ग्लाइडिंग नेक्स्ट होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स आर एट्रोडिया कहते हैं वो, आर एट्रोडिया ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स आर ए कहलाता है, एट्रोडिया कहलाता है। अब होती है कि इस संधि में संधि स्थल पर हड्डियां एक दूसरे पर आगे पीछे या उधर उधर जो होता है वो सिर्फ फिसलती हैं, और इसमें जो होता है हमारे हाथ की जो हड्डियां होती हैं वो रेडियो अल्ना, तो बच्चों जो रेडियो अल्ना होता है माने हाथ में हमारे ह्यूमरस के बाद हाथ में दो बोन होती है वो, एक को हम रेडियस कहते हैं एक को अल्ना कहते हैं जो है वो। तो रेडियस रेडियो और अल्ना माने रेडियस और अल्ना जो होती है, रेडियस और अल्ना ये जो होती है एक दूसरे पर बच्चों क्या होती है ये फिसलती है वो, तो इसको क्या कहते हैं इसको जो होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स आर एट्रोडिया कहते हैं जो है वो। अब होती है नेक्स्ट आता है इधर रहा कि माने कि फ्रीली में वो जो है वो। अब होता है नंबर सेकंड आता है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, और इसकी हिंदी होती है अल्पचल संधियां। तो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स क्या कहा जाता है अल्पचल संधियां। तो बच्चों जैसा कि नाम से बता रहा है कि अल्पचलायमान होती जो है वो, माने क्या मतलब इसमें जो होता है इसमें साइनोवियल कैप्सूल नहीं होता है, माने इस प्रकार के ज्वाइंट्स में साइनोवियल कैप्सूल जो होता है बच्चों इसमें नहीं पाया जाता जो है वो। अब आती है कि और इस प्रकार की संधियां जो होती हैं जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है वो, माने उसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो माने उसके बीच में जो होता है इसी प्रकार से स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स पाई जाती हैं जो कि हल्का सा माने कि हल्का सा क्या करती हैं मूव करती हैं जो है वो एक दूसरे के ऊपर। अब होता है अगला होता है इमूवेबल ज्वाइंट्स। बच्चों नेक्स्ट आता है इमूवेबल ज्वाइंट्स नंबर थर्ड, इमूवेबल ज्वाइंट्स, और इसकी हिंदी होती है अचल संधियां। इमूवेबल ज्वाइंट्स आर सिनेक्रोजर, आर जो होता है सिनेक्रोजर, तो इमूवेबल ज्वाइंट्स आर उसको क्या कहते हैं सिनेक्रोजर कहते हैं, तो जो हमारी खोपड़ी होती है खोपड़ी में जो होता है एट बोन मिलती है वो, जैसे बताया गया है वो इसके पहले वीडियो में देखिएगा
तो खोपड़ी में हमारी जो होती जो अस्थियां होती हैं वो उनके बीच में सीट्यूर होता जो है वो, जैसे यहाँ देखिए ऐसा ऐसा सीट्यूर होता है वो, और ये जो अस्थियां होती हैं एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं करती हैं वो। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, ये मिरर जॉइंट्स कहते हैं। बच्चों बोर्ड में आपको इतना ही पढ़ना है, इसको लाइक न करना भूलिएगा। धन्यवाद।